हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिल्मी रोलेक्स। आज हम 2023 की वेब सीरीज ब्रेकिंग बैड का फुल एक्सप्लेन करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक पहाड़ी का सीन दिखाते हैं। उस पहाड़ी के रास्ते से एक वैन तेजी से जा रही थी, क्योंकि उनके पीछे पुलिस लगी थी। उस वैन में 4 लोग थे। सब लोग बेहोश थे सिवाय एक आदमी के, उसका नाम वॉल्टर। उससे वैन कंट्रोल ना होने के बाद रास्ते से नीचे आकर थुक जाती है। वॉल्टर वैन से गन और अपनी आईडी लेकर बाहर आता है। वो अपने खुद की वीडियो बनाकर अपने फैमिली को मैसेज देता है कि कुछ दिनों में मेरे बारे में आपको कुछ बातें पता चलेगी, चाहे तुम्हें कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैंने ये सब आपके लिए किया है। यही बातें कहकर वो रास्ते पर जाकर पीछे आने वाले पुलिस पर गन तान देता है। अब ये वॉल्टर है कौन और उसके पीछे पुलिस क्यों पड़ी थी, इसके लिए हमें कहानी में पीछे जाना पड़ेगा। कहानी 3 हफ्ते पहले शुरू होती है। वॉल्टर के फैमिली में उसकी बीवी और एक बेटा होता है। उसके बीवी का नाम स्काइलर और बेटे का नाम जूनियर वॉल्टर। वो शरीर से पैरालाइज था। वॉल्टर को 1985 में साइंस रिसर्च सेंटर की तरफ से प्रोटोन रेडियोग्राफी में नोबेल प्राइज मिला था। अपने बेटे को लेकर वो कॉलेज जाता है। वॉल्टर प्रोफेशनली कॉलेज में केमिस्ट्री टीचर था और पार्ट टाइम में कार वॉश के शॉप में काम करता था। आज उसका बर्थडे था और उसकी बीवी उसे सरप्राइज देती है। उस पार्टी में उसका एक फ्रेंड हैंक था। वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था। तभी उसका इंटरव्यू टीवी पर आता है। उसने ड्रग्स माफिया के ड्रग्स और पैसों को पकड़ा था। तभी वॉल्टर कहता है ड्रग्स माफिया के पास कितना पैसा होता है। उसी पर हैंक कहता है उनके पास इतना पैसा होता है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। अगले सीन में वॉल्टर कार शॉप में एक बैरल लेकर जा रहा था। तभी वो केमिकल के धुएं से बेहोश होकर गिर जाता है। उसे अस्पताल लेकर जाने पर पता चला कि उसे फाइनल स्टेज लंग कैंसर है। डॉक्टर उसे केमिकल से दूर रहने कहते हैं। उसके फैमिली में पैसों की तंगी चल रही थी। अगले दिन वो कार शॉप पर काम कर रहा था। तभी शॉप का ओनर बदन आकर बिना वजह के गुस्सा करता है। उसी पर वॉल्टर उसे गालियां देकर वहां से काम छोड़ देता है। रात को वॉल्टर अपने दोस्त हैंक को कॉल करके जॉब मांगता है। अगले दिन हैंक उसे अपने साथ ड्रग सप्लायर के घर रेड मारने ले जाता है। हैंक को टिप मिली थी कि कैप्टन कुक नाम का आदमी घर में ही ड्रग्स लैब बनाकर बाहर सप्लाई करता है। तभी पुलिस फोर्स उस घर के अंदर जाकर एमिलियो, जो ड्रग्स की केमिस्ट्री जानता था, उसे पकड़ते हैं। तभी एक लड़का खिड़की से भाग रहा था। उसे वॉल्टर देख लेता है। वो और कोई नहीं बल्कि उसका पुराना स्टूडेंट पिंकमैन होता है। रात को वो पिंकमैन मतलब जेसी का स्कूल के रिकॉर्ड से उसका एड्रेस निकाल के उसके घर जाता है और उसे कहता है मुझे पता है कि कैप्टन कुक तुम ही हो। अगर ये बात पुलिस को ना पता चले इसलिए मेरी एक बात तुम्हें माननी होगी, मुझे तुम्हारा पार्टनर बना लो, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर एमिली वो अब जेल में है। मैं केमिस्ट्री के बारे में जानता हूँ और तुम इस ड्रग्स बिजनेस को, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। उसी पर जेसी मान जाता है। वॉल्टर छुट्टी के दिन कॉलेज के लैब में जाकर इक्विपमेंट के साथ केमिकल उठाकर लाता है। अब वो ड्रग्स बनाने के लिए एक पिकनिक वैन खरीदते हैं, क्योंकि उसे किसी भी जगह ले जाकर अपना काम आराम से कर सकते हैं। अगले दिन वो एक पहाड़ी पर जाकर ड्रग्स बनाना शुरू करते हैं। उसे बनाने में लगभग 4 घंटे लगे। कड़ी मेहनत के बाद प्योर 100% ड्रग्स बन गया था। उसे बेचने के लिए जेसी क्रेज के पास जाता है। तभी वहां एमिलियो भी होता है। उसे क्रेज ने जेल से छुड़ाया था। एमिलियो जेसी को गद्दार कहता है, क्योंकि उसे लगा था उसने ही उसे फंसाकर पुलिस के हवाले किया है। क्रेज कहता है ये कड़क माल तुम तो नहीं बना सकते, जिसने ये बनाया है उसके पास मुझे ले चलो। उसी पर जेसी कहता है मैं ले जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, हमारे दोनों में 50-50 पार्टनरशिप होनी चाहिए। उसी पर वो मान जाता है। अगले दिन उन्हें पहाड़ पर ले जाता है। तभी एमिलियो कहता है इसे मैंने देखा है, ये पुलिस का आदमी है। ये सुनकर क्रेज बंदूक निकालकर उसे गोली मारने ही वाला था। तभी वॉल्टर कहता है मैं तुम्हें ड्रग्स बनाने का सारा फॉर्मूला बता दूंगा, बदले में हम दोनों को छोड़ दो।
एमिलियो जेसी के हाथ बांधकर उसे लात घुसे मारता है। वॉल्टर उन्हें ड्रग्स फॉर्मूला बता रहा था, तभी वो गलत केमिकल डालकर वैन में धुआं करके बाहर से वैन का दरवाजा बंद कर देता है। उसी में वो दोनों बेहोश होते हैं। वैन के पीछे आग लगी थी, उसे बुझाने की कोशिश करता है, तभी उसे पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। वो सुनकर डर जाता है और वैन निकालकर उधर से भागने लगता है। तभी वैन आउट ऑफ कंट्रोल होकर रास्ते से बाहर जाकर थूक जाती है। वो वैन से बाहर आकर बंदूक निकालकर अपने आप को मार रहा था, तभी उसे पुलिस की नहीं बल्कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी दिखाई देती है। ये देखकर उसका डर निकल जाता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं दूसरा एपिसोड। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में फंसी हुई वैन को निकालने क्रेन को बुलाते हैं। वैन रास्ते पर आने के बाद वो गाड़ी में जाकर देखते हैं कि वो दोनों अभी भी बेहोश है। उस वैन को जेसी के घर ले जाते हैं। अगले दिन जेसी वॉल्टर को कॉल करके कहता है, मुझे वैन में से अजीब आवाज आ रही है, तुम जल्दी आओ। उसी पर वॉल्टर कहता है, मैं कॉलेज लेक्चर्स खत्म करके आता हूँ। यही सारी सस्पिशियस बातें काइलर सुन रही थी। वॉल्टर जाने के बाद वो कॉल को रीडायल करती है, लेकिन उधर से जेसी रिस्पांस नहीं देता। तभी वैन से क्रेज भाग जाता है। उसे पकड़ने जेसी उसके पीछे जाता है, लेकिन वो नहीं मिलता। लेक्चर खत्म होने के बाद वॉल्टर लैब में जाकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर जेसी के घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे क्रेज दिखता है। वो उसे पकड़ने जाता है, लेकिन क्रेज उसे देखकर भागने लगता है और भागकर वो एक पेड़ को टकराकर फिर से बेहोश होता है। वॉल्टर उसे उठाकर ले जाता है। वो जेसी के घर जाने पर पता चला कि एमिलियो मर चुका है। दोनों क्रेज को उठाकर एक रूम में ले जाकर उसके गले में लॉक डाल के बंदी बनाते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ एक डील करते हैं कि हम दोनों में से एक एमिलियो की बॉडी को एसिड में डालकर उसे पिघला देगा और दूसरा क्रेज को मार देगा। अब ये कौन करेगा, इसलिए उन दोनों में टॉस होता है और टॉस जेसी जीत जाता है। अब जेसी एमिलियो की बॉडी गलाएगा और वॉल्टर क्रेज को मार देगा। वॉल्टर जेसी को बॉडी एसिड में पिघलाने के लिए एक प्लास्टिक लाने कहता है। जेसी को लगा कि पूरी बॉडी इस प्लास्टिक बकेट में नहीं आएगी, इसलिए वो नहीं लाता। वॉल्टर क्रेज को मारने जाता है, लेकिन उससे ये नहीं होता। ऊपर से उसे खाने पीने की सारी चीजें देता है। अगले दिन जेसी एमिलियो की बॉडी उठाकर घर के अंदर ले जा रहा था, तभी वहां काइलर आती है और जेसी से पूछती है, वॉल्टर यहाँ क्यों आता है। उसी पर जेसी कहता है, वो मुझसे ड्रग्स लेने आते हैं। यही बातें वो घर में जाकर वॉल्टर से पूछती है, तब कहता है, मुझे आजकल ड्रग्स की आदत लग गई है। उसी पर ये सब छोड़ने कहती है। एपिसोड के आखिरी सीन में जेसी एमिलियो की बॉडी को बाथटब में डालकर उसके ऊपर एसिड डाल देता है। कुछ देर बाद वहां वॉल्टर आता है, तब जेसी कहता है, मैंने बॉडी को बाथटब में डालकर उसके ऊपर एसिड डाल दिया। वॉल्टर उसे गालियां देकर बॉडी को देखने जा ही रहा था, तभी उसकी बॉडी बाथटब को भी पिघलाकर नीचे गिर गई। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं तीसरा एपिसोड।